नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोकसभा चुनाव जो 2019 में हुए हैं उनमें प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कहां से जीता है इसके बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि इन प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पिछली बार भी काफ़ी परीक्षाओं में इनमें से पूछा था प्रसिद्ध व्यक्ति, तो हम इनको ध्यान में रखेंगे क्योंकि आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो पहले नंबर पर आते हैं आपके सन्नी देओल। दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी से जीते हैं, गुरदासपुर पंजाब से, ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट आते हैं आपके हिमा मालिनी, ये भी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से जीती है, मथुरा उत्तर प्रदेश से। फिर नेक्स्ट आपके आते हैं गौतम गंभीर। दोस्तों, गौतम गंभीर प्रसिद्ध फेमस क्रिकेटर भी रहे हैं, ये भी भारतीय जनता पार्टी से जीते हैं। इनकी जो सीट थी वो थी ईस्ट दिल्ली, दिल्ली में ही है। नेक्स्ट अगला आपका आता है स्मृति ईरानी जी, भारतीय जनता पार्टी, अमेठी उत्तर प्रदेश से जीती है। यहाँ पर अमेठी में क्या था कि स्मृति ईरानी को लेकर काफ़ी ज़्यादा ये चर्चा में थी, इसलिए इनको भी फेमस सेलिब्रिटीज़ में रखा गया है, ठीक है, और वैसे भी ये सेलिब्रिटीज़ ही है। अगला देखते हैं, आगे आपके आते हैं नरेंद्र मोदी, बीजेपी, जो प्रधानमंत्री बन चुके हैं। दोस्तों, इन्होंने वाराणसी उत्तर प्रदेश से चुनाव जीता है। नेक्स्ट आता है अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने गांधीनगर गुजरात से जीत हासिल की है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आते हैं दोस्तों मनोज तिवारी, भारतीय जनता पार्टी से ये जीते हैं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। आगे देखते हैं, आगे आपके आ जाते हैं रवि किशन, ये भी दोस्तों फेमस सेलिब्रिटीज़ है, ये भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर उत्तर प्रदेश से जीते हैं। नेक्स्ट आपके आते हैं गिरिराज सिंह, ये भारतीय जनता पार्टी बेगूसराय बिहार से जीते हैं, इनका भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट दोस्तों राहुल गांधी, कांग्रेस, ये वायनाड केरला से जीते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट आपके आते हैं अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से इन्होंने जीत हासिल की है। नेक्स्ट मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी, ये मैनपुरी उत्तर प्रदेश से जीते हैं, ये हमेशा यहीं से चुनाव लड़ते थे और हमेशा जीतते थे, इस बार भी यहीं से चुनाव लड़े और जीत गए। नेक्स्ट सोनिया गांधी, कांग्रेस, ये रायबरेली उत्तर प्रदेश से जीत हासिल की है, ठीक है। नेक्स्ट आपके आ जाते हैं आजम खान, समाजवादी पार्टी, रामपुर उत्तर प्रदेश। दोस्तों, इनके जो खिलाफ़ चुनाव लड़ रही थी बीजेपी से वो थी आपकी जयाप्रदा जी, ठीक है, इन्होंने उन पर कुछ टिप्पणियाँ भी की थी, लेकिन जीत हासिल आजम खान की हुई, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी चर्चा में रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, बाकी हमारे चैनल सेल्फ स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलें। बाकी आप किसी अन्य टॉपिक पर या रेलवे NTPC GK हिंदी के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप वीडियोज़ देख सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।